साथियों, कोर्ट जजमेंट की ये हिंदी शॉर्ट हैंड डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से है, जिसका समय 5 मिनट का है। स्टार्ट। इस प्रकार पत्रावली पर अभियोजन की ओर से केवल 3 साक्षी परीक्षित कराए गए हैं, जिनमें से वादी मुकदमा ने यद्यपि अपनी मुख्य परीक्षा में घटना का समर्थन किया है, किंतु प्रति परीक्षा में घटना का समर्थन नहीं किया है तथा मुख्य परीक्षा से हटकर बयान दिया है तथा कहा है कि पट्टे की जमीन जो हम लोगों को मिली थी, मैंने बाद में लेखपाल व कानून को से पैमाइश कराई थी। पैमाइश में अभियुक्तगण रोहन सिंह, मेघ सिंह, प्रेम सिंह ने मेरे पट्टे की जमीन पर कब्जा होना नहीं पाया गया तथा अभियुक्तगण मेरे साथ मारपीट नहीं किए, न गाली गलौज की, न जान से मारने की धमकी दी। गलत फहमी में लोगों के बहकावे में आकर मैंने अभियुक्त गण के विरुद्ध रिपोर्ट लिखा दी थी। यह कहना सही है कि पट्टे की जमीन पर मेरा कब्जा है तथा अभियुक्त गण से मेरे मधुर संबंध हैं। इसके अतिरिक्त PW2 व PW3 भीकमपाल व देशराज दोनों पक्षद्रोही साक्षी घोषित किए गए हैं, जिन्होंने अपने अपने बयान में घटना का समर्थन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। जहां तक अभियोजन की ओर से प्रस्तुत की गई प्रलेखीय साक्ष्य का प्रश्न है, उसके निष्पादन की औपचारिक प्रामाणिकता को अभियुक्त की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 294 के प्रावधान के अंतर्गत अवमुक्त कर दिया गया है और इन प्रलेखों के निष्पादन पर अभियुक्तगण की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गई है, किंतु प्रस्तुत मामले में मौखिक एवं तात्विक साक्ष्य के विरोधाभासी और विपरीत होने के कारण ये प्रलेख भी अभियोजन कथन का संपोषण नहीं करते हैं। अतः पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वस्तुतः अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। परिणामतः अभियुक्तगण उनके विरुद्ध आरोपित आरोपों से दोष मुक्त होने योग्य है। आदेश। अभियुक्तगण रोहन सिंह एवं मेघ सिंह को जनपद एटा के थाना निधौली कला में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 425 सन 2007 दंडवाद संख्या 25 / 2006 उत्तर प्रदेश राज्य प्रति रोहन सिंह व अन्य के प्रकरण में धारा 198A2ZA&LR भारतीय दंड संहिता की धारा 323.506(2) में आरोपित आरोपों से दोषमुक्त
किया जाता है, वे जमानत पर हैं, उनके व्यक्तिगत बंध पत्र तथा प्रतिभूति पत्र अपील की अवधि तक प्रभावी रहेंगे। वस्तुतः अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। लगातार नया सीखने के लिए नवजागृति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल के आइकॉन को सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।